नमस्कार प्रणाम गोर लागतानी भोजपुरिया जान आदाब हम रवि किशन शुक्ल स्वागत करतानी सुर के सबसे बड़ संग्राम जगर नाम बाटे सुर संग्राम तृतीय एवं जोरदार ताली के साथ स्वागत कर जाओ इजोन गायकी भैली तीनों महारथी लोगन का मंच पे ये हमारे को बहुत प्यारा मित्र बाड़न जिनका के भोजपुरी में बहुत बड़का एगो नाम हो गई बा जोन भी सिनेमा बनैलन बहुत बड़का हिट रहे हम उनके साथ तीन चार गो सिनेमा में काम करनी सब ब्लॉकबस्टर सिनेमा रहे उनका नाम बाटे श्री राजकुमार पांडे जी एगो जोरदार ताली बहुत बढ़िया बढ़िया गाना उजोन सिनेमा के देलन भोजपुरी सिनेमा पे और जोन ऑडियंस दर्शक मजा ले लें उनका खातिर उनके संगीत खातिर उनके टेस्ट खातिर और उनके संगीत का ज्ञान खातिर उनका के बधाई देता नहीं बहुत बढ़िया हो ममता बहुत बढ़िया गैलू ये आलोक बाबू मोहन राठौर बहुत बढ़िया आप एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कर जाओ
गली मोहल्ला सब जगह अपन नाम के एगो हस्ती कह दिल बाड़ी हो मान गई इनकरा के क्लासिकल संगीत भोजपुरी भाषा संस्कार संस्कृति सबके जोड़ हमनी के एगो अद्भुत हस्ती मालिनी अवस्थी आसाम से चलल गई एगो लड़की भोजपुरिया समाज एकदम कपार पे बिठा देले जेकरा के सीना में लगा ले लेस लैकन बुढ़वा बच्चा सब लोगन के दिलों का सपना हो रात के सूते का सपना कल्पना हर हर महादेव आज मैं अघड़ हो गई हूँ आपका आपका असर हो गया हर हर महादेव स्वागत कर जाओ ऑडियंस के जो तीनों सेना के हौसला बढ़ा रहा बाटे एगो चुनौती चुनौती का बात हमेशा हम करीला चुनौती कमाल की शुरुआत कहीं की चुनौती के रात एकरा से बड़ शुरुआत ना हो सके धन्यवाद अब आप लोग कृपया सरदार लोग अपने अपने कुर्सी पे विराजे जय हो आप लोगन का जय हो ममता जी जय हो मामला जी बहुत अच्छा अब हम योद्धा लोगन के अपन राज्य के योद्धा लोगन के एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कृपया आप लोग विराजे कमाल के शुरुआत ये कहीं की चुनौती के रात के एकरा से बढ़ के शुरुआत ना हो सकेला का कहीं और का पूछी न्यायमंडल से उकरा पहले चुनौती जब चुनौती स्वयं आपके मंच पे चल के आई तो कैसे रही? जी हाँ एगो चुनौती के पेश करत थे जो मजलका सीट बाटे चेयर बाटे न्यायमंडल में खाली बाटे एगो ऐसा इंसान के बुलाया जाता नहीं जिनका जीवन वो भोजपुरी के समर्पित कर दिलन और भोजपुरी उनकरा के बहुत बड़ा बना दिले एगो इतना बड़ा नाम कि उनकरा के नंबर वन डायरेक्टर कहल जाला तो एगो जोरदार ताली के साथ हम चाहब उनका स्वागत करे और उनका नाम बाटे राजकुमार पांडे जी स्वागत इतना परिदा में गरिदा मचल रूप के इतना परिदा में गरिदा मचल रूप के जहिया घूंघटा उठैबो तका होई हो जहिया घूंघटा उठैबो तका होई तोहरे इनकार में जहिया हंस के बोलैबू तका होई हो जहिया हंस के बोलैबू तका होई जहिया घूंघटा उठैबू तका होई जहिया हंस के बोलैबू तका होई ई संगीतकार बाड़न ई लेखक बाड़न ई डायलॉग राइटर बाड़न ई डायरेक्टर बाड़न ई प्रोड्यूसर बाड़न ई गोंडा जिला के बाड़न उत्तर प्रदेश का वाड़न इनका नाम आटे आर राजकुमार पांडे और इनका भाई एगो स्टार बाड़न इनका लड़का के स्टार बना देलन हमरे साथ देवरा बड़ा सतावेला पीवा सतावेला लहरिया लूटे राजा जी इनका साथ हम बहुत छह सात गो सिनेमा कहनी हो और बड़ा मजा आवला ई मंच पे आप जो सूत्रधार बानी सबके जुड़त आनी इतना निमन लागत बढ़िया घर में हम लगभग एपिसोड देखले बानी ई शो के सूर्य संग्राम 3 के और मैं दिल से तहे दिल से सामने दुगो नगीना बैठल बाड़ी एक अवध की शान तो दूसरी भोजपुरी की जान मालिनी जी और कल्पना जी और एक बात रवि भाई और कहल चाहब कि सिनेमा में जब रिकॉर्डिंग होला जब हमने के रिकॉर्डिंग करीला सब बड़े बड़े सिंगर के साथ तब वहीं जा ट्रैक होला और ट्रैक के ऊपर रिहर्सल होला रिहर्सल के बाद कई बार ये ऑप्शन रहला कि आदमी बार बार रीटेक करके गा सकेला लेकिन हम तहे दिल से आभार मानतानी कि ये लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर गांव देहात से एगो लड़का सबके पकड़ के लावेला सबके चुन के लेके आके और हमनी सबके खातिर रास्ता आसान कर देवे ने जोन अगर मैं कहूँ दिल से आलोक मोहन और ममता या और भी सिंगर जिनको हमने भी चांस दिया है जिला टॉप की लड़की है अलका पहाड़िया तमाम और सिंगर राकेश सुर संग्राम का ही लड़का था राकेश तिवारी बनारस का तो अगर सुर संग्राम ना होता तो शायद इतने अच्छे अच्छे हीरे हमारे पास नहीं होते जब हम पहला बार सुर संग्राम में आए रहनी उस समय भी हम एगो वादा के रहनी कि जे केहू सुर संग्राम के जीती ओकरा के हम गवाइब और वह कारण रहे कि आलोक और मोहन दोनों के आलोक के गाना रहे देवरा बड़ा सतावेला में बबुनी जीन्स पहरले बाड़ी पहला प्लेबैक सॉन्ग ओकरा बाद सीजन 2 में ममता के झाड़ू पोछा करम नहीं जो नभ गोली लेकिन आज एगो चुनौती बा तीनों राज्य खातिर
और हम वही खातिर आयल बानी। जैसे ई सिंगर एगो उस समय में नया रहें सब और गा के इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे के आज इस सब लड़का स्टार बन गए बड़े, वही तरह से तोहनी लोगन के भी गावे के बा जे हमरा सिनेमा के गाना बढ़िया गाई और अपने सुर और ताल तक पूरी तरह पहुँचाई, ओकरा के हम इस सुर संग्राम के विजेता हो ना हो ओकरा से पहले अपना सिनेमा में गवाई। अब बाबा आई, अब रुआ के अपन कुर्सी पे विराजी और पूरा चुनौती दी बाबू का। आज जौन भी प्रतिभागी का परफॉर्मेंस न्याय मंडल के लगी सबसे ज्यादा बेहतरीन ही होता बन जाए परफॉर्मर ऑफ द डे। आज योद्धा के मिली तो विशेष उपहार, साथ ही साथ उसे हो जाए एलिमिनेशन से। द राजकुमार पांडे जी के सिनेमा के गाना के पहला पेशकश के साथ कौन सेना के कौन योद्धा सबसे पहले हिम्मत दिखाई? मोहन बाबू, हम बुलावे जाते नहीं अपना दीपक भाई के ओबरा के कोबरा, ओबरा से अवतारण सुर के कोबरा और लड़का खतरनाक था। जय देख दिलवा मैडम जी, तुह देख दिलवा मैडम जी, लव यू बोले ओ तुह देख दिलवा मैडम जी, लव यू बोले बागोर गुलाबी काल गजब के मस्तानी बाजा, दिलवा मैडम जी लव यू बोले ओ तो है देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले बागोर गुलाबी काल काल पे मस्तानी बाजा, बागोर गुलाबी काल काल पे मस्तानी बाजा, चाल पे सारा इंडिया डोले ले, तो है देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले दिलवा मैडम जी लव यू भले। दिलवा मैडम जी लव यू बोले ओ तो है देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले बागोर गुलाबी काल गजब के मस्तानी बाजार, बागोर गुलाबी काल गजब के मस्तानी बाजार, जाल पे सारा इंडिया डोले ले ले, तो है देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले ओ तो है देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले ओ तो है देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले ओ तो है देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहलो बाल वाल बना ले हितेश इनका, हाँ ब्रश बाल करा। आज के लिए लड़का पगला गल बा, खबर आयल बाटे गेस्ट हाउस से जहाँ ही रहलन कि रात रात भर लड़की से बतिया वाला। नहीं सर, इन लोगन के मालूम नहीं है कि हमार काम सूत्रधार का हो, लेकिन हम कुल नजर रखीला। थैंक यू हितेश बाबू, आप जा सकते हैं। आलोक बाबू का कहो? बढ़िया लगल भैया और धमाकेदार प्रस्तुति, काहे कि ये आपके मूड के गाना रहे जौन आपके पास गायकी बाटे, और जो जौन कलाकार के वो मूड के गाना मिल जाना ना फिर तो फाड़ के रख देना। देखो लव यू करना पर पहले करियर बना लो। क्या बात, ठीक है।
आलोक भाई कहले रहना भैया कि पिछला एपिसोड में कि हमके बिहार पे घमंड बा, तो लोगन पे घमंड बा, घमंड वाला वर्ड बोले रहना, तो हम ये कब कि हम अपना यूपी के भाई लोगन पे नाच करता नहीं। आ ये लोग हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि यही तरह गर्दा कब रही तो बम्बई पहुँच गई ना, इनकर भाव बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छा दीपक, यही तरह चाव के गाबो वीरेंद्र भाई और देवपाल, तीनों जना एकदम कबाब दे जैसा कि लोग दोनों जना फेंका जाए कुर्सी से बाहर। राजकुमार पांडे जी एगो चुनौती के रूप में हमने के सुर संग्राम के अद्भुत मंच पे आयल बाड़न, तो उनकरा से शुरुआत करी। राज जी का कहवा इनकरा खातिर? रवि भाई जब आगाज इतना बढ़िया भइल बा तो अंजाम बहुत बढ़िया हुई। आज ये मंच के प्रस्तुति पर जो पहला गाना भइल बा सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राज जी कितना नंबर देवे के चाहबा? 10 नंबर देता नहीं, पूरा का पूरा। बाप रे बाप, बोल प्रेम से बिंदवासनी मैया की जय। राज जी के हाथ में 10 नंबर का आज हिसाब किताब बांटे, और राज जी 20 नंबर मालनी जी, 20 नंबर कल्पना जी, 10 नंबर राज जी के हाथ, 10 नंबर में से पूरा 10 नंबर दे देलन बाबू मालनी जी। एकदम हीरो नियर आवाज से हीरो नियर गावत रहला हो, एकदम हीरो के माफे। और आज तुहार आवाज में ये गाना सुन के हमके शर्तिया मालूम बाटे कि ओरिजिनल गाना सब लोगन भुला जाए। मेरी ओर से आज आपके लिए 17 छाप के गाया आपने आज। एक तो आपके मूड का गाना था, और आप जो एक जो हमेशा सब लोग बोलते हैं सूफी एलिमेंट आप डालने की कोशिश करते हो, है तो ये एकदम पॉप एंड पैपी टाइप का सॉन्ग, लेकिन उसमें भी आपका वो एटीट्यूड झलका, एंड मेरे तरफ से 18। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मालनी जी से भेटाइल 17, कल्पना जी से 18, राज जी से 10 कुल हो गई 45। बा बा जियो जवान, जा 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 जवान जा, बहुत आगे जाएगा, बहुत बढ़िया। राजकुमार पांडे जी के सिनेमा के गाना पर हो चुकल बा पहला जबरदस्त परफॉर्मेंस। अभी बाकी बाड़न 7 गो योद्धा के ऐसन गाना के 7 प्रस्तुति करी की गाना आपके दिल के सबसे करीब बाटे, चुनौती के पार करे के कौन योद्धा जीती न्याय मंडल के दिल, चुनौती का दिन बाटे वो, और के हो जाए आज सेफ। बहुत इंपॉर्टेंट दिन बा, बहुत महत्वपूर्ण दिन, बढ़िया गायकी और एलिमिनेशन से हो जाए से। आलोक बाबू जयकरा के भेजवा जवाब में हो। आज हम बहुत खुश बानी कि राजकुमार सर यहाँ आयल बानी जाए, काहे कि जब हम सुर संग्राम में रहनी, फर्स्ट सुर संग्राम में तो टॉप 5 पर रहनी भैया, हम उस समय हम विनर भी ना होली, तो हमारा कि राजकुमार सर वही आपकी फिल्म में कल्पना दीदी के साथ देवरा वाला सताबे में पहला हमारा चांस मिलल, और बबनी जींस पहन ले बार इतना सकेत नसीनस नहीं ले बार, पहला गाना रहे हमारे लाइफ के। और आज के डेट में भैया आप लोग के आशीर्वाद से लगभग 150 से 200 फिल्म हो गई प्ले बैक करते करते, और बड़ी खुश बानी ताई आप लोग के आशीर्वाद बटे। ताई हम भेज रहे बानी मधुबनी जिला से सौम्या मिश्रा, मधुबनी जिला से सौम्या मिश्रा स्वागत बाट। Oh,
वाह, ये गुड़िया कमाल की बिया हो, ये गुड़िया कमाल की बिया। सौम्या मिश्रा एगो खानदानी संगीत का घराना, एगो खानदानी शास्त्रीय संगीत का कंप्लीट रियाज सीख, ओकरे बाद सुर संग्राम का इतना बड़का मंच, कमाल भी आई लेकिन आलोक का कहवा करारा जवाब मिल गई भैया, गर्दा गर्दा हो गई। अच्छा बोलना ना आलोक, और सौम्या पहले से ही तू अच्छा गावत अड़ू, बहुत बढ़िया गई लियो। सौम्या बहुत अच्छा गा रही हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। राज जी का कहे सब इस सिनेमा के बारे में, और इनकर पहले गायकी से शुरू कर फिर हम सिनेमा से कुछ सवाल करब, कैसन लगल इनकर गायकी? एगो लाइन बा, अति कहि रगड़ करे जो कोई अग्नि प्रकट चंदन से हुई, यानी किसी कार्य के पीछे अगर लगे रहो तो वो कार्य जरूर सिद्ध होता है। बहुत बढ़िया, और मतलब पूरा फील, मुझे लग रहा था कि हम लोग ही नाचना ही चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छा था। कितना नंबर देगा? मैं इस बार भी कोताही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया गाई है, और मैं फिर वही 10। वाह, एक बात और हम कहा रवि भाई की, ये इस शो के विजेता के हो कि हमरा नहीं के मालूम, कि न्याय मंडल और आए वाला समय बताई कि लोगों के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड बा, लेकिन सौम्या के जो आवाज़ बा, इस सिनेमा के आवाज़ बा, ये हम दावा करके जाता नहीं है। ये सिनेमा के जो बहुत बड़का आवाज़ बनती उभरी है, और हम ही सबके सिनेमा में तुम्हारा स्वागत बस। वाह वाह, बहुत आशीर्वाद भेटा गए राजकुमार पांडे जी से। कल्पना जी का सौम्या ने कहा वो लाइन बहुत अच्छा लगा मुझे, गारी तो गारी भी हले, तो सारे में मार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया आपने। मेरे तरफ से 19। वाह बहु कमाल हो गए, सौम्या मिश्रा 10, कल्पना जी से 19, और तारीफ का पुल पूरा एकदम गांधी सेतु जितना बड़का बिहार में बा, उतना बड़का पुल भेटा गई। लेकिन एंट्री फर्स्ट नोट थोड़ा सा मुझे, मैं बोलना भूल गई, थोड़ा सा हिला वाला मुखड़ा में थोड़ा सा, आप धीरे धीरे चढ़े, अंतरा बहुत चाप के गए आपने, मुखड़ा थोड़ा सा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप था। राते बलमुआ दे हले गारी हो तरकारी के भी नाना, राते बलमुआ दे हले गारी हो तरकारी के भी नाना, गारी तारी दे हले कुसोर में मार दे हले, गारी तारी दे हले कुसोर में मार दे हले, बहुत बढ़िया मालिनी जी, बहुत अच्छा गाया सौम्या, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गाने को ग्रास्प करने में। ओपनिंग आपका जो एंट्री नोट था वो बहुत शार्प था, सुर से बिल्कुल अलग था। दूसरा दारा रने नाना, उससे भी थोड़ा बचिए, आज के लिए मेरी ओर से 18। बहुत बढ़िया कल्पना जी से भेटाइल 19, मालिनी जी से 18, राज जी से 10, कुल हो गई 47। वाह वाह वाह, यह तरह आगे बढ़त रहा गुड़िया, अपने माए बाबू का और अपने परिवार के नाना नानी का नाम ऊंचा करा, रोशन कर, जा बैठ। झारखंड के सरदार ममता से पूछब चुनौती की रात केकरा के भेजबू, यूपी बिहार एकदम चाप दिले, अब बोला भैया हम भेजब श्याम कुमार सिंह के। श्याम कुमार सिंह वह बाबू जन पिछला आइटम वाला दिन एकदम बढ़िया का के मजा लेलन, पिछले हफ्ता रेस्ट बिठाइल एक हफ्ता, और आवत अड़न रेस्ट करके, तो सोचा आज कितना गर्दा मचाइन हो। स्वागत बास श्याम कुमार सिंह का। नाही पातर नाही मोट, नाही लम्हार नाही छोट, नाही पातर नाही मोट, नाही लम्हार नाही छोट, देख फुलवानियन सुकवार बाड़ी हो, हमार रानी बड़ा रसदार बाड़ी हो, हमार रानी बड़ा रसदार बाड़ी हो, नाही पातर नाही मोट, नाही
नाही लम्हार नाही छोट नाही पातर नाही मोट नाही लम्हार नाही छोट देख फुलवानी अनु सुकवार बहड़ी हो हमार रानी बड़ा रसदार बहड़ी हो ए हमार रानी बड़ा रसदार बहड़ी हो सलोना तोहार सुनर रूप हो चेहरा बुझाला जैसे जाड़ा के धूप हो सुहर सलोना तोहार सुनर रूप हो चेहरा बुझाला जैसे जाड़ा के धूप हमरे खासियत बा कैसे भोजपुरी भोजपुरी पंजाबी कैसे बोल बा बोला क्योंकि एक्टिंग चेहरा शूट तुहाडा बूट मेनू बड़ा अच्छा लगता यार ओए पापा जी की हाल चंगा है तुसी लड़का के थोड़ा हाथ देनी तो पूरा पोछा पकड़े लगल अजीब खेला बाहो आलो का बा लड़का खाते ठीक लगल थोड़ा सा हमरा लगल डल टाइप के थोड़ा सा गाना है काहे कि जौन आप दो परफॉर्मेंस भइल ह हिनकर दीपक जी के सौम्या जी के उनकर अपेक्षा बहुत डल बाटे और हम एक बात और कहे के चाहब आपके गायकी ठीक बाटे आवाज भी ठीक बाटे लेकिन हमरा कैसन काहे लगा था शुरू एपिसोड शोर से कि जब ही कोई भी तान ही लेवे ला ना हमें लगे आखिरी बाटे इनकर आवाज मतलब आखिरी बाटे मतलब ये खोला ना कि नाभी से गाला जाला तो हमरा लगा था कि बस यहीं तक गले तक से अपना काम हो जाला मतलब वो थ्रो पावर खत्म हो जाला इनकर मैं फर्स्ट एपिसोड जैसा लग रहा है हमरा के जैसा बुझाई आलोक भाई जो बताई ना हाँ बात से हम भी सहमत बानी और कुछ चीज के थोड़ा सुधारने और आपके स्टाइल वो अलग बा भाव अलग बा अच्छा लगा श्याम बाबू के एक हफ्ता का आराम भी भेटाए रहल एलिमिनेशन राउंड से बच भी गए रहलन मालनी जी का कहे सर श्याम यही बात मैं दीपक के लिए कह रही थी कि बहुत कम लोग हैं जो एक नेचुरल वॉइस क्वालिटी को लेकर के पैदा होते हैं यहाँ तराशते हैं आपकी आवाज अलग है आपका गाने का स्टाइल भी अलग है आपका गाने को अपने रंग देना वो भी अलग है और उसी के बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे कि पिछली बार आइटम सॉन्ग में जिसमें एक से एक दमदार प्रस्तुतियाँ थी वहाँ पर आपको हम लोगों ने परफॉर्मर ऑफ द डे चुना था एक बात हमेशा याद रखिए टेलीविजन पे गा रहे हैं हर गाने में पावर तो चाहिए ही चाहिए आप चाहे अलाप लें कुछ सेकेंड्स की उसमें वो ओज वो धार वो तेज दिखना चाहिए आपने अपनी ओर से मौज लेकर गाया आपने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया सुर से भी हटे और थोड़ा बहुत गाने के तेवर में आज मुझे नहीं दिखे मेरी ओर से आज 15
पिछले हफ्ता का लड़का परफॉर्मर ऑफ द डे का लड़का आज का चुप बाटे उनके स्वयं मालूम हुई। कल्पना जी का राजकुमार जी का बहुत ही इस साल का शायद सबसे सक्सेसफुल फिल्म है, ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर जीना तेरी गली में। श्याम, मुझे ऐसा जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी शायद कहा था इनडायरेक्टली तुमको कि आप पर्टिकुलर एक, जैसे मैंने बोला था गजल गायकी में अगर आप जाओगे तो आपका एक, आप पर्टिकुलर एक जॉनर के सिंगर हो और उसमें आप सेफ हो। यहाँ अगर आगे जाने की आपको आपकी बात है तो उसको ध्यान देना चाहिए आपको कि आप वही गाना चुने जिसमें आप 100% सेफ महसूस करो। कमाल कमाल के सिंगर्स बैठे हुए, जब टॉप 5 होगा 6 होगा मैं तो हैरान हूँ अभी से क्या होगा, तो थोड़ा सा समझ से आप काम ले। आज के लिए 15। जीना तेरी गली में ब्लॉकबस्टर सिनेमा राजकुमार पांडे जी का आपके गाने के साथ इंसाफ श्याम बाबू कैलन। रवि जी, ये जो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब कोई गाना कोई भी सिंगर उठाते हैं और जिस गाने को लगता है कि ये गाना बहुत सरल है वही गाना सबसे मुश्किल हो जाता है। जल्दबाजी ना करे के चाहिए ऐसा गाना पे, बीट के खास तौर से मजा लेवे के चाहिए। जैसे गाना में एक लाइन रहे, हम चाहता नहीं गुनगुना के एक लाइन एक बताई जो कि ना ही पातर ना ही मोट ना ही लमहर ना ही छोट, देखा फूलवा नियन सुकवार बाड़ी हो हमारी रानी बड़ा रसदार बाड़ी हो, ए हमारी रानी बड़ा रसदार बाड़ी हो। वा, वा। तो ये जब जाके और फिर आएंगे अगर श्रृंगार का वर्णन करना है तो वो उसमें दिखना चाहिए। कोशिश करो और अच्छा होगा, आगे और मेहनत करो, किसी गाने को आसानी से मत। नंबर इनका हम देता नहीं 8 में 38 हो गई बात, चुनौती की रात इतना ढीला मत होगा कि लेट जा जवान बाड़ा जा मजा ला। अब तक कुल परफॉर्मेंस में सबसे कम नंबर परफॉर्मर ऑफ द डे जे पिछलका हफ्ता रहलन आइटम के दिन उनकरा के पचाल ई बाटे सुर संग्राम का मंच दिख रहा बा। राज जी के सिनेमा के गाना के अलग अलग रूप अभी तक तीन गो योद्धा कैलन प्रस्तुति सेफ होके के रेस में अभी तक सबसे आगे चल रहा बाड़िन बिहार की सौम्या मिश्रा, सबसे आगे अभी तक बाड़न 5 गो और योद्धा के ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस जरा के देख के आप हो जाएंगे। जोरदार ताली के साथ स्वागत करी पटना बिहार से पटना के पंडित सुमित कुमार भट्ट जी का अगले दावेदारी के लिए अवतारण अगली प्रस्तुति। जय हो।
जमे कप मार के चार के ओ बाकी आई हाय तबार के चार के याद रखबू अपना यार के चार के बार के चार के याद रखिया अपना यार के चार के आई रोज में कप मार के चार के और राजी स्वयं मंच पे चल के आवा चढ़न वाह राजी का हो गई दे दा तू दिलवा दे दा तू दिलवा अपना यार के जा बाबा राज जी के झुमा देलन राज जी डांस कर देलन काहे हो का ऐसन भइल की मंच पे आप रोक ना पाउल अपने असल में एक तो ये गाना बहुत बढ़िया बा बहुत रिदमिक और जो में बीट बा टा 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 वो बहुत अच्छा हम चाहता नहीं कि एक बार ओका जरूर बजाएं आप लोग कि मतलब इतना बढ़िया बजा लें बीट ये है बहुत बढ़िया बीट है ये राज जी के नाचे का मन रहे ये पूरा खेला हु रहे हम जाना दनी धन्यवाद राज जी आप पहला महफिल में जान आ गई बहुत बढ़िया राज जी आलोक बाबू का कहवा भट्ट साहब के लिए इनकर गायकी कमाल रहे भैया और जो ना कि हम पिछला एपिसोड में कह रहे लेनी कि आलोक कुमार के वो सीखे के चाहिए सबसे इनकरा में अच्छा लगल अभी के गाना में कि बीच में थोड़ा सा सुर गई रहे हल्का सा गए तो जी निकल गए अपने आप ये अच्छा बात बाटे कि जौन कलाकार के गलती एहसास हो गई कि हमारा से गलती भइल है तो बहुत दूर तक तो जीभ निकाल देव काहे कि गलती के एहसास भइल बा गलती भइल हम ये हम ना करल बानी कि जी काहे के लिए निकल मतलब गलती के एहसास भइल कि जी निकल जीभ निकाल दी काहे तो कान लोग काहे के पकड़ता गुरु जी के नाम गलत बात गलत बोल रहे हैं आप समझाइए सिखाइए कलाकार के वो अंदर आत्मा ही जवाब देता समझ गए ना मोहन भाई नहीं नहीं अच्छा बोला तड़ा और शुरू से अच्छा गावा तड़न हमरो तरफ से बहुत मतलब सराहना बा इनका खातिर और बस कंफ्यूज मत होकल करा बस ठीक ना अब पहले ही से चपले वाला इधर चपले रहा बहुत अच्छा बहुत ममता जी का कहो सुमित आप अच्छा गा रहे हैं अच्छा गाइए और ऐसे ही दिल बहलाते रहे अरे वाह ममता जी तक भाई हाँ एकदम ममता जी एकदम दिल फेंक के करेजा वरेजा एकदम प्लेट में धे के बैठे कल्पना जी का थोड़ा थोड़ा फिसले लेकिन हमेशा आप अच्छा गाते हो एक बहुत ही स्वीट आवाज है आपके लिए बहुत खास मैं नहीं बोल सकती राजकुमार जी खुद चल के गए और वो मस्ती मस्ती दिखा नंबर है मेरे तरफ से 17 बहुत बढ़िया मस्ती भेटाई कल्पना जी के चल जाओ मालनी जी मालनी सुमित तुहार आवाज में एगो बहुत ईमानदारी बाटे एगो बहुत सहजता बाटे मैं यही कहूँगी गलती और चूक क्योंकि लाइव आप ही मानेंगे कि रिकॉर्डिंग में तो मुझे लगता है 1000 टेक 10 टेक 12 टेक बहुत कम कलाकार हैं जो वन गो में गाना खींच पाते हैं वहाँ पर गलती की माफ़ी होती है क्योंकि एक रेक टेक नहीं तो दूसरा ये सारे बच्चे एकदम गाँव से अनट्रेंड आए हैं आप लोग यहाँ पर आकर इतना अच्छा गा रहे हैं मुझे लगता हम सब लोगों को खुशी होनी चाहिए और आपको दिखाना चाहेंगे कि हम लोगों को आप कह रहे थे नगीने हम हमारे सबके नगीने ये हैं अच्छा गया सुमित 17 बढ़िया एमए को बात बा कहे से कि जो ओरिजिनल गाना बा उसमें शब्द के थोड़ा चेंजेस भइल बा तो जब ओरिजिनल गाना के कबो शब्द जब चेंज होला ना तो कहीं ना कहीं सिंगर के अंदर दिमाग में वो शब्द रहा जैसे हम खुद डायरेक्टर बनी उस सिनेमा के जीना तेरी गली के गाना रहे और जब वो ये लड़का गावत रहे तो उस समय हमारा ओरिजिनल शब्द ही हमारा दिमाग से रहे मतलब रिपीट लाइन में भी तो ये चूक के हम चूक नहीं के मान सकता नहीं कहें से कि वो चूक ऑलरेडी शब्द के ही बा तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ लेकिन मेरी तरफ से ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख के 9 नंबर बहुत बढ़िया राज जी से भटाई 9 नंबर 17 कल्पना जी 17 माली जी गोल हो गए 43 नंबर जय हो पंडित जी की जय हो अच्छा एगो मंत्र हमार सिनेमा बुलेट राजा लग गई
हिंदुस्तान के बड़ा पसंद आ गई। एगो मंत्र हमरे जीवन खातिर बोल दे। इनका खातिर मंत्र हम बोला था। हाँ बोला। ऐशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्म ते मृतलोके भूभार भूता मानुष रूपे मृगाचरण ते। मतलब जो इंसान जिसके अंदर तप नहीं, गुण नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं मतलब शालीनता, धर्म नहीं, वो इंसान इस धरती पर तो है लेकिन पशुओं के समान। वाह वाह वाह, जय हो। कितना नंबर भाई? 43। जा बेटा मजा ले। झारखंड के सरदार ममता, केकरा के भेजू ममता? झारखंड रामगढ़ की वादियों से चालनी दुबे। जय हो लड़की के बारे में ममता का कही? चालिनी दिल खुश कर दिया तुमने, बहुत अच्छा। ऐसे ही गाओ तो एकदम शिखर पे जाओगी। थैंक यू। वाह वाह वाह। हमरा तरफ से ये कमेंट्स बांटे कि
कि खाली ममता जा के तू गले लगा ला जा जा अच्छा गैलो किया बच्चिया। तो राज जी आपका फेवरेट गाना आपका फेवरेट फिल्म का कहवा इनकर गायकी कैसे लगा? बहुत बढ़िया। और शालिनी मतलब ममता तो इतना बढ़िया गाती है, हमेशा हम लोगों की फेवरेट सिंगर बन चुकी है ममता, बहुत अच्छा गाया। और ख़ास तौर रवि जी ये गाना चूँकि कल्पना जी का गाना है, बहुत बड़ा हिट गाना है, फिर हम इस बार कंजूसी नहीं के 10 नंबर। ओ शाबाश राज जी से भेटाइल 10 नंबर कल्पना। मैं शालिनी से कुछ शेयर करना चाहूँगी एक्सपीरियंस अनुभव। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, मुझे अलग ये लगा, जैसे मैं मराठी फिल्म में गाई हूँ, बंगाली फिल्म में बहुत ज़्यादा गाई हूँ, लेकिन भोजपुरी में ख़ास बात यह है कि प्लेबैक सिंगिंग में भी ना बहुत सारे कंपोजिशन ऐसे मिलते हैं जहाँ फोक एलिमेंट रख के प्लेबैक करना है। प्लेबैक है इसका मतलब हीरोइन के ऊपर जाएगा, लेकिन कंपोजिशन में फोक फ्लेवर है, तो उसको कितना मसाला कितना देना है कितना नहीं। जैसे एक लाइन यहाँ पे है जो आपने थोड़ा सा मुझे लगता है मिस किया, जेठ के दोपहरी घामे आजोड़ा ता जमीन हो, इस लाइन में फोक दिखाना है, आजोड़ा ता जमीन हो अकुरवा मिले ला राजा जी, यहाँ फोक नहीं दिखाना है, इस लाइन में फोक नहीं दिखाना है। जेठ के दोपहरी घामे जोड़ा सा जमीन हो गोरबा में ले लो राजा जी, अब ही पानी का मशीन हो गोरबा में ले लो राजा जी, अब ही पानी का मशीन हो गोरबा में ले लो राजा जी। बस वही बैलेंस एंड डिसबैलेंस, वो थोड़ा सा फोक कहाँ पे रखना है कहाँ पे प्लेबैक, थोड़ा सा हीरोइन नुमा आवाज़ को थ्रो करना है, ये थोड़ा सा सीख जाओ ऐसे गीत में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नंबर है 16। शालिनी बचपन में हम लोगों की फेरी टेल थी एलिस इन वंडरलैंड, कभी कभी तुम बिल्कुल वैसी लगती हो कि यहाँ पर आकर तुम्हें पता भी नहीं कि कैसे तुमने इतने बड़े मुकाम पर अपना मुकाम बना लिया है। यहाँ पर आ करके बस गाने को कहा गया तो तैयार कर लिया और आकर के गा दिया, इतना बड़ा एक नज़ारा पेश करना जहाँ पर आप खुद खड़े हो जाएं, जिन्होंने कि उस गाने को फिल्म के लिए मकबूल किया हो, जिन्होंने गाया हो, जिन्होंने पेश किया हो पर्दे पे, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। और सबसे खूबसूरत जो मुझे लगती है आपकी बात, वो आपकी वो मासूमियत की आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे आपने सुर लगाया, एडलिब जो गाया कई जगह सुर से गया था और गाने में भी, लेकिन अब नहीं बोलूंगी इसलिए क्योंकि जो तेवर था वो कमाल का था, बाकी मैं ना बोलूं तो चलेगा? तुम समझ गई मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रही हूँ? सुर बहुत जगह गया था। यस, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, उसी के वजह से नंबर कट गए, इसलिए हम दोनों ने दिए 16 16। मालिनी जी से 16, कल्पना जी से 10, राज जी से कुल मिला के हो गए 42। वाह वाह। अब आप जा सके लू ममता हम लोगों के छोड़ दें, धन्यवाद, जय बहुत आगे बढ़ पगली। राज जी, कल्पना जी, मालिनी जी, की लड़की के बारे में कुछ बताए चाहब आप लोगों से? एक उम्र पे मत जा, लड़की बहुत ऊंची भाई, हमके छेड़ल पैकअप के बाद पीछे से ऐसे सीटी मर। और एगो नमूना बाटे स्कूल के टीचर लोगन का इका दुर्दशा करल देख ले, कृपया ए भी प्लीज। शालिनी बहुत दिनों से बच्चे बचपन से ही, जब क्लास 1 में ही थी तभी से वो अपना संगीत की जलवा दिखाती रही है। इसकी प्रतिभा मेधा आज हमारे विद्यालय के लिए नहीं है, ये देश के गौरव की बात है। हम लोग सभी का आशीर्वाद है कि तुम इस बार एकदम झारखंड की ट्रॉफी हमारे घर में ही आना चाहिए। जय जोहर, जय झारखंड। हम चाहेंगे कि तुम वहाँ से जीत के आओ। और 42 भेटा गए गुड़िया, बहुत अच्छा, मुबारक हो आपके, और आगे बढ़ जा, ठीक रहा। आज हर योद्धा कर रहल बाटे सबसे कड़ी चुनौती का सामना, काहे कि स्वयं सिनेमा के महान निर्देशक राजकुमार पांडे जी बाड़न योद्धा के सामने। अभी तक 5 योद्धा के भइल जोरदार परफॉर्मेंस, सेफ होके के रेस में सबसे आगे चल रहल बाड़ी बिहार की सौम्या मिश्रा, तो सबसे पीछे चल रहल बाड़न झारखंड के श्याम। वह श्याम ये पिछला सप्ताह सबसे आगे,
अगर तीन को और योद्धा कमर कस रहल बाड़न, तैयार बाड़न की कैसे प्रस्तुति करी और मचाई घमासान। कौन सेना के योद्धा आज हो जाए सेफ, यूपी, बिहार या झारखंड? आज जौन भी प्रतिभागी का परफॉर्मेंस हमारे न्यायमंडल के लगी सबसे ज्यादा अच्छा योद्धा बन जाए परफॉर्मर ऑफ द डे और योद्धा के मिली विशेष उपहार। आई चल जाओ यूपी के सरदार मोहन बाबू से, केकरा के भेज बस चुनौती के रात में मोहन बाबू भैया इधर तारी भेजे जाते नहीं। देवपाल बने हमार, देवपाल बनिया जिला से। देवपाल हर हफ्ता लगल की लड़का चल जाए न्यायमंडल के भी हमके भी, लेकिन हमेशा एगो प्रस्तुति के बाद हमेशा ही अलग रूप धारण कर ले। आज देखल जाए देवपाल कौन रूप धारण कर लन। इनका पर डेफिनेटली इनके माई बाबू का बहुत आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन पिक्चर रहे राज जी? लहरिया, लहरिया लूटे राजा जी, बहुत अच्छा। अच्छा एक इस सिनेमा के से पहले कोनो और बात होके, ये गाना के जब मैं पिक्चराइजेशन कैली, गाना के बाद एक सीन ऐसा रहे कि जब मैं पाखी हेगड़े के मतलब डायरेक्ट किस करे के रहे रवि जी के। अब रवि जी एक से पहले कोनो सिनेमा में ऐसा सीन ना के लिए रहा है, हमकी कहानी की बहुत बढ़िया लगी करी। जैसे ही उस सीन के शुरुआत के लिए उतने ही में इनकर वाइफ सामने से मतलब है नहीं मतलब रवि जी के वाइफ और सीन चलत रहे। अब इनकर होश होश खराब हो गए रवि जी के।
जैसे उनका देख ले हड़बड़ा के उठ के तब राज जी हम जाता नहीं, हमने कहा कहाँ जाइएगा अब तो पकड़ा गए हैं। यू है गाना रहे हो जहाँ पे हम बच गए नहीं पत्नी से थुराए खातिर। राज जी नंबर कितना दे बन कर? 9 अंक में देता हूँ। बहुत बढ़िया। आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी, और अधिकतर हम लोगों ने आपको खाटी फोक गाते हुए सुना है, तो आज ये बदलाव अच्छा लगा। मैं आप में और इम्प्रूवमेंट देखना चाहती हूँ और मेहनत चाहती हूँ। एक ऐसा ना लगे कि सीमित गायकी है, क्योंकि अब जैसे जैसे एक एक एपिसोड आगे बढ़ेगा सर्वश्रेष्ठ रह जाएंगे, और जिनमें एक रास्ता है वो कलाकार वापस छट जाएंगे। आज की परफॉर्मेंस के लिए आपको 16 भेटाइल और 9 भेटाइल राज जी से कल्पना जी। मुझे लगता है बहुत जगह आप सुर से गए, बहुत जगह, बहुत बिखरा हुआ था। और सिर्फ एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, जब जब आहिए बूची, आहिरे बूची ना, वो जब जब आया वो बहुत, आपने बहुत जो एक स्टेप भी आपने दिया, बहुत बहुत एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था। सो उस हिसाब से चेतावनी के साथ श्याम और देवपाल 15, मान लीजिए से 16, कल्पना जी से 15, राज जी से 9, कुल मिला के हो गए 40। बाबा जिया जवान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत आगे बढ़ा जा। अच्छा सुना, एगो नागिन का धुन बज, आज वादा कैले रहला नागिन डांस करवा, कुछ नागिन लगा दा एकदम लोट के नाच। राजकुमार पांडे जी के सिनेमा के गाना से आज के रात हो गई बाटे रंगीन। अब तक 6 योद्धा दिखौले बाड़न अपन जोहर, सेफ होके की रेस में बिहार के सौम्या चल रहल बाड़ीन सबसे आगे, था झारखंड के श्याम चल रहल बाड़न सबसे पीछे। अभी बाकी बाटे 2 और योद्धा के ऐसन गाना के साथ प्रस्तुति, जौन गाना गांव गली मोहल्ला में हड़कम मचा देले बाटे बाबू। जाना दिलचस्प हुई कि कौन सेना के कौन योद्धा आज हो जयन से जबरदस्त घमासान के साथ आई अंतिम परिणाम। सब जानल जाओ कि आज का हुई के कर प्रदेश आगे बढ़ी हो भोजपुरिया जहान। निर्देशक राजकुमार पांडे जी के सिनेमा के गाना पर अभी तक 6 योद्धा के प्रस्तुति हो चुकल बाटे। जय हो। नंबर की स्थिति के अनुसार बिहार की सेना की सौम्या चल रहा बाड़ी सबसे आगे, जय हो स्वाहा, और झारखंड सेना के श्याम चल रहा बाड़न सबसे पीछे स्वाहा। अब बुलावल जाए अगली योद्धा के प्रियंका भारद्वाज, स्वागत। परदेश पलम जी हो करी
वाह ममता जी क्या कह रही। प्रियंका इतना भाव में डूब कर गाई ना, अब तक जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ऐसा नहीं गाए थे। बहुत अच्छा, लगी रहो। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। जागल छुअल पहुंचल धसा गल करे जवाब, इनकरा के आज हम देव 19। वाओ बहुत बढ़िया 19 नंबर भेटा गई मालनी जी से। कल्पना जी यस, लाइव गाना मुश्किल है थोड़ा, ये गीत खासकर धक 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 एक ही नोट में सस्टेन करना और सांस कम भी पड़ जा सकती है, बेसुरा हो सकता है, वो बहुत मुश्किल था जिसको आपने सही तरह निभाया। लेकिन अभी भी मेरा वो कंप्लेन है, बहुत जगह अच्छे तरह से लेती हो, आपकी आवाज़ में वो खनक है, प्लेबैक टोन है, सब कुछ है, लेकिन दो लाइन अच्छा से बोलने के बाद थर्ड लाइन ना थोड़ा सा भटक जाता है कहीं पे, या जो बोलना चाहती हो, या शायद ज़्यादा भाव में जाने से कभी होता है ना, वीक पड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होने से सुर पे कंट्रोल कम होता है। हालांकि ये मेरी पर्सनल राय है। नंबर है 16। पहली बार ही गाना के मतलब शुरू के नोटेशन हम सुननी है तो हमके लगा ली कौन सा गाना छू ले ले, कहें से ये गाना बहुत टफ है, तो मैं दाद देता हूँ इस लड़की को और इस गाने को चूज़ करने के लिए। मैंने पिछली बार एक एपिसोड में देखा था कि इनके बाबूजी शायद नहीं चाह रहे थे कि आएँ, और कल्पना जी ने उनसे अपील किया था। मैं भी इस मंच से अपील करता हूँ कि इस लड़की में बहुत टैलेंट है और इसके अंदर सिनेमा की आवाज़ है, तो इसको आगे लाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। मार्क्स की बात है, मैं फिर यहाँ कोताही नहीं करूँगा क्योंकि ये गाना वाकई बहुत टफ है, बहुत टफ है गाने के लिए, मैं 10 मार्क्स देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल्पना जी से 16, माली जी से 19, राज जी से 10, गुल मिला के हो गए 45। वाह वाह गुड़िया, बहुत आगे बढ़ा, बढ़िया से एकदम बढ़िया से पति मिले, अच्छा घर बसा, बहुत नाम करा, प्लेबैक सिंगिंग में आगे जा, सिनेमा में नाम हो, बाबूजी के का संदेश दीजिए। सबसे पहले पापा तुम्हारा देखी लो छो प्रणाम करे छुरा फेरू में मंच के द्वारा। पापा यह विनती छे कि जब तक हमें धरती पर छी हमारा संगीत से अलग नहीं सिर्फ संगीत करें। रवि भाई मैं चाहूँगा अवध का एक फोक है, और मान लीजिए एक लाइन आप वो बाबा निमिया के डार मत काटा अगर आपको आता हो तो। बाबा निमिया के पेड़ जिन काटे हो बाबा, निमिया पे चिड़ैया के बसेर बलैया ले हूं बीरने की। बाबा निमिया के पेड़ जिन काटे हो याले जा रही हूँ, लेकिन जो ये नीम कट गया तो चिड़ैयों का बसेरा चला जाएगा। बाबा सगारी बिटिया घर जाई है।
धन्यवाद मालिनी जी, अति सुंदर। रवि जी, कुछ समय पहले तक जब मैं ये गीत गाती थी तो अपने मायका सोचती थी, सिर्फ माँ की, भाई की और पिता की याद आती थी। अब जब ये गीत गाती हूँ तो सामने एकदम बेटी की विदाई आ जाती, पता ही नहीं चला कब पलक झपकते इतनी बड़ी हो गई और देर से फिर वो संसार की सबसे बड़ी सच्चाई कि बेटी को घर छोड़ के जाना पड़े। लेकिन ये जो हम संसार में हैं उन सभी नियमों में रहते जीते उसको हम लोग साधते हैं, लेकिन इन लोकगीतों में ताकत है कि कुछ कह नहीं सकते। कोई बात नहीं मान लीजिए, सबके रुला दे लू ना है? बहुत बढ़िया गायकी और धन्यवाद प्रियंका, हर हर महादेव गुड़िया। राज जी के सिनेमा गाना पर हो चुकल बा सात गो परफॉर्मेंस। अब पेश हुई चुनौती आखिरी योद्धा के सामना का, काओ बाकी सब योद्धा के पछाड़ के हथियार लिहन सेफ होके का तमगा या कुछ और ही घटना घट जाइए जा। अभी बाकी बाड़न सिर्फ आखिरी योद्धा का इनकर, नैया लगी पार या अपन सेना के कर दिया तार तार, आई बुलावल जाए आखिरी योद्धा के। और अब मंच पे उतरल बाड़न आज के आखिरी योद्धा, वो बाड़न यूपी से वीरेंद्र भारती। अरे खबर छपी अखबार में चर्चा तो नहीं छोटकी रहल नदान, तो सुनी बतावत है का भाई। अरे छोटकी पे दुनिया में हर बान हो गई, छोटकी पे दुनिया में हर बान हो गई, खबर ऐसन बाकी छोटकी जवान हो गई, खबर ऐसन बाकी छोटकी जवान हो गई, खबर ऐसन बाकी छोटकी। मंडल पूरा भवरा गई, न्याय मंडल पगला गई, ये जाके नाचे लगल न्याय मंडल का कहू इस धरती के लाल के बारे में। बहुत बढ़िया गाया, आप हमेशा अच्छा गाते हैं, लेकिन भैया बबुआ इधर आओ, एडलिब में क्या हुआ था कुछ पता चला? सुर कैसे गोता लगाया? जब प्रसारण होगा तब सुनना, ये भी एक खाटी कलाकारों की खासियत होती है, गा देते हैं लहरा कर, जो गाया सो गाया। और असर ये होता है कि हम लोग यहाँ चले आते, आप अपना नंबर देते रहिए कि भाई इतना
सही था, दो जगह गलत था, लेकिन बाबू तो जांचना पड़ेगा। तो आज के लिए हमारी ओर से 18 मालनी जी से भेटा गई मंच पर आके नंबर इनके धरती के लाल के भेटा था। अब चलल जाओ राज जी का ये बहुत शानदार गाना बा। पवन पवन और मोहन दोनों मिलके गले रहे, इतना खाटी गाना, इतना बढ़िया गाना सिनेमा में आके, और सबसे बढ़िया जो रिदम आप लोग बजोला, मतलब कमाल, बहुत बढ़िया। आप सबके खातिर एक ताली होनी चाहिए। हम फिर कंजूसी ना करो, शुरू में भी 10 दले रानी और अंत में भी 10 दले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राज जी से भेटाइल 10 कल्पना जी से जाना जाओ कल्पना। मुझे वो छोटी जो बच्ची है वो जैसे धीरे धीरे ऐसे वो बहुत अच्छा लगा, बाकी बोलना ही नहीं, वहाँ से यहाँ तक आ गए। सो सुर के लिए थोड़ा सा कटौती, 18 मालनी जी से, 18 कल्पना जी से, 18 राज जी से, 10 कुल मिला के हो गई 46। वाह वाह, मुबारक हो बाबू, तरह के बहुत आगे जा। आज के एपिसोड के ऊपर जे बन गई बा, आज के एपिसोड के सबसे यादगार पल, आज के मोमेंट ऑफ द डे बाटे आपके समक्ष। न्याय मंडल से पूछल जाएगी कौन योद्धा के परफॉर्मेंस सबसे अद्भुत रहे, जेकरा के मिल रहल बाटे परफॉर्मर ऑफ द डे के खिताब। मुझे लग रहा है सौम्या, सौम्या मिश्रा, बहुत बढ़िया। और उनका इनाम आ जाइए, हाथ लगा दी तीनों लोग, बहुत बढ़िया। इनका के मिल रहल बाटे को विशेष उपहार, और साथ ही साथ ही हो गई बाड़ी एलिमिनेशन से सेफ, इनका नाम ना जाई हो एलिमिनेशन में। ललका कुर्सी से बच गई नी झारखंड सेना के शाम चरल बाड़न, सबसे पीछे यानी ई फंस गई बाड़न एलिमिनेशन के भवर जाल। खत्म हो चुकल बाटे चुनौती, आ चुकल बा परिणाम, हो गई बा सौम्या मिश्रा सेफ और फंस गई बाड़न शाम। अगला शुक्रवार बाटे विदाई के रात, कौन योद्धा धतकाई घमासान के ज्वाला, के कर अरमान हो जाए स्वाहा, कौन योद्धा के रास्ता हुई साफ, और कौन से योद्धा चखी एलिमिनेशन के कड़वा स्वाद, यूपी बिहार या झारखंड, जबरदस्त परफॉर्मेंस और जोरदार संघर्ष के साथ अगला हफ्ता फिर होई मुलाकात। विदाई के रात कैसन मची घमासान, का होई परिणाम, जाने और देखे खातिर जरूर देखी हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ सुर संग्राम तृतीय। राज जी तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आप अइला, आपके स्वागत, और इतना कीमती समय अपन शूटिंग छोड़ के अइला वो खातिर तहे दिल से धन्यवाद। का कहे चाहबा भोजपुरिया जहान के, समाज के, जे हमनी लोगन के बनौलस? मैं तहे दिल से आभारी हूँ, और फिर एक बार गजेंद्र भाई और अशोक सिंह जी, आपका एक मेगा स्टार, कल्पना जी एक आवाज़ एक अंदाज, और मालनी जी जो अवध की शान, और मैं इस चुनौती के लिए जो मैंने पहले चुनौती दिया था, मैं उसमें वादा किया था कि जिसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा मैं उसको गवाऊंगा, और मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर मैं सौम्या को बुलाऊंगा अपनी फिल्म। ओहो, सौम्या मिश्रा के एको सिनेमा भेटा गई बार राजकुमार पांडे जी का अगले हफ्ता, वो नहीं कि जीतिया तब ना हो, पहले जय हो सुर संग्राम। दूसरी बात, मौका भी बा, दस्तूर भी बा, एगो मेगा स्टार सामने तो एगो आवाज के मलिका बगल में, तो काहे ना हो जाए देवरा बड़ा सतावला के गाना जैसन सोचले रहनी है संदर्भ में। ऐतिहासिक गाना, हमारा फेवरेट बात। हम चाहब कि कल्पना जी गाँव में, हम लोग पीछे पीछे थोड़ा इनको सपोर्ट कर लेंगे। बड़ा निक लागेला बलम जी के बोलिया, जब से ले आइल बाड़ा अपन घरे डोलिया, बनके हमरा जिंदगी में आइल जोर बड़ा, सांवर न गोर बड़ा, जैसन चाहे कहिए, जैसन सोचले रहनी ऐसन धनिया मोर बड़ी, सांवर न गोर बड़ी हो रे पातर चरार मोट।
सुनाना बात के बहाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि सुर से गांव के मन पे हमारे शादी कोई करवा। आपके चलते पूरे पुलिस स्टेशन में भीड़ रहती है। कहाँ है? सारी लड़कियाँ रोज कंप्लेन लेके आती है कि एक लड़का है जो हम लोगों का दिल चुरा के ले गया है। गोर चेहरा भी काहे तो लगे? गोर रही तो के लिपस्टिक लावे पड़ी, पाउडर लावे पड़ी, समय से बाजारे घुमावे पड़ी, गोलगप्पा खियावे के पड़ी। बहुत अच्छा गया मुझे आज बदली हुई प्रियंका, और आज साड़ी में तो बहुत 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 नीमन लगत। मालिनी जी से 13, कल्पना जी से 15 कुल हो गई।